नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में आपका स्वागत करती हूँ। तो कल है सोमवती अमावस्या, तो सोमवती अमावस्या के व्रत में महिलाएं सुबह बाल धो सकती हैं या फिर नहीं धो सकती, इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। तो ख़ास तौर पे जो लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो कुछ ख़ास दिन ऐसे होते हैं जिस दिन महिलाएं बाल नहीं धो सकती हैं। जैसे हालांकि ख़ास तौर पे जैसे गुरुवार के दिन है और जो सोमवार के दिन है, इन दिनों के दिन खास तौर पे महिलाएं बाल नहीं धोती हैं। तो उन खास नियमों का पालन आपको ज़रूर करना होता है। तो सोमवती अमावस्या, एक तो खास बात यह है अमावस्या तो पितरों की अमावस्या होती है, तो अमावस्या के दिन बिल्कुल भी बाल नहीं धोते हैं और सोमवती अमावस्या के दिन तो बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। यहाँ तक कि घर में कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर में गरीबी आती है और पितृ अप्रसन्न होते हैं, खुश नहीं होते हैं। इसीलिए जो सोमवती अमावस्या है उसके दिन बाल नहीं धोने चाहिए। और यहाँ तक कि जब भी आप बाल धोएं तो रविवार के दिन आप शाम को धो सकते हैं, दिन में धो सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन बिल्कुल भी बाल ना धोएं। ये खास नियम होता है, इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के संबंध में, नारियों के संबंध में, महिलाओं के संबंध में कुछ खास नियमों का पालन है। जो व्रत करती हैं, जो महिलाएँ व्रत करती हैं, उनको खास नियमों का पालन करना होता है। और उन नियमों का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो आपका व्रत नहीं माना जाता। जो लोग उपवास सकती है सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं, उनको बिल्कुल बाल नहीं धोने चाहिए और इन नियमों का उनको सख्ती से पालन करना चाहिए, जब भी आपका व्रत पूरा माना जाता है। तो ये थी खास जानकारी। अगर आपने इस सोमवती अमावस्या को अगर बाल धो भी लिए हैं तो आप नेक्स्ट जो सोमवती अमावस्या होती है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि हमने ये चीज़ खा ली या फिर जैसे हमने नमक खा लिया तो व्रत टूट जाता है, तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि अगर हमने खा लिया गलती से तो क्या कर सकते हैं। तो उसमें आप अगले जो नेक्स्ट गुरुवार होता है, शुक्रवार होता है, या अगली सोमवती अमावस्या या अमावस्या के दिन आपको इस नियम का पालन जरूर करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।